गुड मॉर्निंग क्लास एट, दिस विल बी योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सिक्स. ये चैप्टर सिक्स का आपका फर्स्ट लेक्चर है. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग विद फ्लैश. तो बेटा फ्लैश आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि अडोब देता है आपको, ठीक है. और इसमें आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम कर सकते हो. आप इसमें एनिमेशन कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, गेम बना सकते हो, ऐप बना सकते हो, ठीक है. तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि इस फ्लैश से क्या क्या आप कर सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन. Nowadays, you can see different animation characters, animation videos, video games, and many other mobile applications. These all are made possible with the help of Flash. तो बेटा देखो फ्लैश क्या क्या कर रहा है. एनिमेशन कैरेक्टर बना रहा है, एनिमेशन मूवी बना रहा है, वीडियो गेम बना रहा है, और भी अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा है. ये सब हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? फ्लैश की हेल्प से, ठीक है. तो फ्लैश इज अ ग्रेट टूल फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एप्स एंड एनिमेशन. फ्लैश क्या बेटा? आपका बहुत अच्छा टूल है जिसकी हेल्प से आप मोबाइल एप्स एंड एनिमेशंस बना सकते हैं, ठीक है. फ्लैश इज अ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स टू क्रिएट एनिमेशन. फ्लैश बेटा आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है एनिमेशन जिससे आप बना सकते हो, ठीक है. रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, बहुत अच्छी एप्लीकेशंस बना सकते हो. डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो. मोबाइल एप्लीकेशन एंड मोबाइल गेम्स भी बना सकते हो फ्लैश की हेल्प से, ठीक है. तो फ्लैश बेटा आपका एकदम मल्टीपर्पज एप्लीकेशन है जिससे आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है. अगर आपको ये ऐप चलाना आ गया तो आप ये मान लो कि आप एक डिसेंट अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. इट इज अ फास्ट एफिशिएंट एंड वेरी यूजफुल टूल. ये एक फास्ट एफिशिएंट एंड बहुत हेल्पफुल टूल है दैट हैज बीन यूज्ड इन मेनी मोबाइल एप्स एंड गेम्स. इट इज अ कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय मैक्रोमीडिया. तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे मैक्रोमीडिया ने बनाया, विच इज यूज टू मेक मूवीज, वेबसाइट, गेम्स एक्सेट्रा. तो मैक्रोमीडिया के इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप मूवीज भी बना सकते हो, वेबसाइट्स भी बना सकते हो, गेम्स भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. यू कैन यूज फ्लैश टू क्रिएट एनिमेटेड कैरेक्टर्स. आप एनिमेटेड कैरेक्टर्स बना सकते हो, क्रिएट गेम्स, गेम्स बना सकते हो, क्रिएट एनिमेटेड एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट आते हैं ना बेटा ऑनलाइन, आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे पर्टिकुलर किसी भी आइटम के लिए. तो वो सारे के सारे एनिमेटेड एडवर्टीजमेंट भी फ्लैश की हेल्प से बनते हैं. जैसे आप लोगों को याद हो तो वोडाफोन का एक कैरेक्टर, एनिमेटेड कैरेक्टर्स आते थे, तो वो वोडाफोन वाले कैरेक्टर्स फ्लैश से बनते हैं, ठीक है. बिल्ड वेबसाइट, वेबसाइट बना सकते हो. बिल्ड योर ओन एप्लीकेशंस लाइक अ डिजिटल क्लॉक. तो डिजिटल क्लॉक एप्लीकेशन बेटा फ्लैश की हेल्प से बना, ठीक है. चलिए फिर क्या है, ओपनिंग फ्लैश. तो अगर हमें फ्लैश खोलना है तो हम क्या करेंगे? टू ओपन मैक्रोमीडिया फ्लैश फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अगर हमें फ्लैश खोलना है तो हम ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे. ओपन द स्टार्ट स्क्रीन. सबसे पहले हम स्टार्ट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे. फिर क्लिक ऑन मैक्रोमीडिया फ्लैश टाइटल. फिर वहां पे आपको मैक्रोमीडिया फ्लैश का टाइटल मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे. स्क्रीन विल ओपन एज शोन बिलो. फिर आपको ऐसे करके एक स्क्रीन खुल जाएगी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, ऐसे करते हैं. चलिए द फ्लैश CS6 वर्जन फीचर्स ऑफर्स डिजाइनर अ वे टू एड इंट्यूटिव इंटरक्टिविटी एंड एक्सप्रेशन टू कंटेंट. मतलब बेटा फ्लैश CS6 के हेल्प से आप जो भी वेबसाइट बनाते हो या जो भी कुछ भी बनाते हो वो आपका इंटरैक्टिव हो सकता है, ठीक है. इंटरैक्टिव वेबसाइट टाइप आप बना सकते हो, इंटरैक्टिव कैरेक्टर्स बना सकते हो, इंटरैक्टिव एनिमेटेड कैरेक्टर्स. तो ये सब कुछ फ्लैश 6 हमें करने देता है, ठीक है. तो इस लेक्चर में बेटा आपका इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर हम एरियाज ऑफ फ्लैश वर्क स्पेस के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास.